अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS408 के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनेरियो आप रीड कर लें। वो कहता है कि यू आर यूज़र हु लव्स ऑनलाइन शॉपिंग बट ऑफन फाइंड योर सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस। यू हैव जस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू क्लॉथिंग वेबसाइट दैट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ ब्रांड्स एंड स्टाइल्स। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर आपने नेविगेट करना है और उस वेबसाइट के ऊपर कुछ खामियां हैं, वो आपने डिटेल यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने मेंशन करना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है, यानी वो जो खामी है, और कौन एक वर्ड का सलूशन आपने पेश करना है कि वो वर्ड जिससे वेबसाइट के ऊपर जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से टेबल्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। टेबल ए यहाँ पर दी हुई है। वन ऑफ द बेसिस मेंशन बिलो टेबल शोइंग द इश्यूज एंड द HCI यूजिबिलिटी गोल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड वन वर्ड सोल्यूशन फ्राम टेबल ए एंड बी। ए टेबल हमें ये दी हुई है, यहाँ से हमने फैक्टर्स को तलाश करना है। बी में हमने यहाँ से अपना वन वर्ड सोल्यूशन तलाश करना है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले ही फिल किया हुआ है। इशूज़, पहला इशू हमारे पास है, वो कहते हैं यूज़र ऑफन अबंडन देयर कार्ट्स मिडवे थ्रू द चेकआउट प्रोसेस ड्यू टू कन्फ्यूजन अबाउट शिपिंग ऑप्शन और पेमेंट मैथड्स। देखिए, पेमेंट मैथड यानी उस वेबसाइट पे अच्छे नहीं हैं, या वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा यूज़र्स को पता नहीं है कि किस तरह से पेमेंट यहाँ पे करनी है। तो ये फैक्टर हमारा क्लैरिटी में आ जाएगा और इसका जो सोल्यूशन है कि उसमें या तो हमें स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा या फिर यूज़र को गाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने पेमेंट मैथड करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, वो कहता है यूज़र, यहाँ से जो हमारा वन वर्ड सॉल्यूशन है वो इस टेबल में से होगा, ठीक है, इसमें से गाइड या फिर स्ट्रीमलाइन। दूसरा है यूज़र ब्राउजिंग ऑन मोबाइल डिवाइसेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिलेज व्हेन ट्राइंग व्यू प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने वीयू की वेबसाइट पे विज़िट किया और वो वेबसाइट लोड होने में टाइम दे रही है, तो इसके लिए जो फैक्टर है वो उसकी परफॉर्मेंस का है और इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा है कि यूज़र इनकाउंटर्स अ लैक ऑफ विजिबल सिक्योरिटी इंडिकेटर्स सच एज पैडलॉक आइकन और SSL सर्टिफिकेट, यानी उसका जो डेटा है वो लीक हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सिक्योर होना चाहिए और इसका जो इशू है, फैक्टर है, वो विजिबल इंडिकेटर होगा। यूज़र सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड और साइज ऑफ क्लोथिंग आर अनेबल टू नैरो डाउन देयर सर्च रिजल्ट्स इफेक्टिवली। तो इसमें जो आपका फैक्टर है वो फिल्टरिंग का है कि सही से फिल्टर नहीं हो रहा डेटा, तो इसको वन वर्ड सोल्यूशन है कि रिफाइन, यानी डेटा रिफाइन होकर आ जाना चाहिए। अच्छा, न्यू यूज़र स्ट्रगल टू फाइंड देयर वे अराउंड द वेबसाइट्स मेन्यू सिस्टम एंड गेट लॉस्ट व्हेन ट्राइंग टू लोकेट प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी वो कैटेगरी नहीं देख सकते, कार्ट में अपनी प्रोडक्ट को नहीं देख सकते। तो मेन्यू अच्छा होना चाहिए, ईजी एक्सेस इसका सोल्यूशन है। रिटर्निंग यूज़र हैव डिफ़िकल्टी रिकॉलिंग आइटम्स दे प्रीवियसली एडेड टू देयर विश लिस्ट आर कस्टमाइज सेटिंग, यानी जब वो अपनी विश लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो वो उनको प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन का एक टॉपिक होता है या एक पेज होता है वहाँ पे जिसमें रिकमेंडेशन पेश की जाती हैं यूज़र्स को कि ये चीज़ आपकी नेचर के ऊपर सही तरह से मतलब इफ़ेक्ट करेगी, या कुछ क्लॉथ हैं ये आपको रिकमेंड कर दिए हैं बेस्ड ऑन योर सर्चिंग एक्सपीरियंस, तो ये ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए उसमें। सम यूज़र स्ट्रगल टू अप्लाई डिस्काउंट कोड्स आर रिडीम लॉयल्टी पॉइंट्स लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड टास्क फेलियर, तो इसके लिए भी गाइड हमारे पास होनी चाहिए। स्लो पेज लोड टाइम्स, ये तो स्पीड में आ जाता है कि ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए पेज को। यूज़र हैव डिफ़िकल्टी अडॉप्टिंग चेंजेस इन वेबसाइट लेआउट आर डिज़ाइन कन्फ्यूजिंग, ये प्रेजेंटेशन या इसको इन्हेंस करना चाहिए क्योंकि लेआउट या डिज़ाइन हमारी वेबसाइट का अच्छा नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरे का पूरा इसका सोल्यूशन था और इसमें एक ये रह गया, यूज़र्स मस्ट गो थ्रू मल्टीपल स्टेप्स टू परफॉर्म सिंपल एक्शन सच एज एडिंग आइटम्स टू देयर शॉपिंग कार्ट आर अपडेटिंग देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ, आई थिंक यहाँ से मैं देख लेता, हाँ ये एफिशिएंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा है एफिशिएंसी और इसका जो आपके पास बन जाएगा, यूज़र मस्ट गो थ्रू मल्टीपल स्टेप्स टू परफॉर्म सिंपल एक्शन सच एज एडिंग, ये भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। इसमें आपको जो सही लगेगा वो यही है कि आप इसमें गाइड या क्लैरिटी कहीं लगा दें, ठीक है, क्योंकि वो जब एटम
को कार्ट में ऐड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है या फिर मल्टीपल स्टेप्स उनको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेसिबिलिटी भी सही बैठेगी और इसका जो वन वर्ड सॉल्यूशन होगा गाइड होगा किस तरह से एटम्स आपके कार्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ से किस तरह से आपने फर्दर मोर पैकेज को ऑर्डर देना है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।